सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप अभी तक मुझे नहीं जानते हो तो मैंने अभी रिसेंटली कनाडा ट्रैवल किया है स्टूडेंट वीज़ा पे, जिस पे मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, अपने ट्रैवलिंग के ब्लॉग शेयर किए हैं, अपने 3 डेज़ का होटल क्वारंटाइन शेयर किया है और 11 डेज़ का भी मेरा क्वारंटाइन फाइनली ख़त्म हो गया। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टूडे डाउन टाउन टोरेंटो एंड वी आर ट्रैवलिंग वाया बस। मैं, मेरा कज़िन और दो लोग और, हम 4 लोग जा रहे हैं। लाइक द पर्सन हैज़ 2 सीटर कार एंड वी आर 4 पीपल। तो ये है उस बंदे की कार, ये 4 सीटर है, बट पीछे 2 लोग और अच्छे से नहीं आ सकते। तो बस स्टॉप पे बहुत ज़्यादा देर वेट किया हमने और बस नहीं आई। फिर हमें लगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, तो सबने मिल के म्यूचुअली डिसाइड किया कि तो हम वापस घर जा रहे हैं। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को 2 सीटर कार दिखाई थी, भाई की स्पोर्ट्स कार, उसमें हम 4 लोग किसी तरह ट्राई करेंगे फिट होने का। मैं कुछ इतनी जगह आगे आराम से बैठ सकते हैं, पीछे भी 2 सीट्स हैं, बट एक्चुअली लेग रूम बहुत कम होता है इसमें। तो आई शो यू की कितना लेग रूम होता है, कुछ इतना लेग रूम रहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बट विल ट्राई। और इस सीट को मोड़ के गाइज मैं बैठ चुका हूँ कुछ ऐसे, और ये भाई की गाड़ी का फील कुछ अंदर से ऐसा। कौन सी गाड़ी हो तो बोलो भाई, कौन सी भाई, कौन सी गाड़ी है? सुब्रू BRZ। सुब्रू BRZ। पूरा वीडियो का टाइटल मैंने इसी बेस पे अब चेंज करूंगा। ये भाई का कौन सा है? स्ट्रॉबेरी लेमोनेड। मेरा कौन सा है? डबल स्मॉल। देखो भाई, ये समर्थ है, ये समर्थ है, और ये समर्थ का क्या है? और ये फाड़ी हो रही है डबल। और ये समर्थ की फाड़ी हो रही है, इसका भी डबल है बड़ा वाला। ये YouTube में नहीं आएगा, और ये YouTube में नहीं आएगा, ये इसका ट्रेडमार्क। ओके चलो पी के मिलते हैं। बहुत गर्म है। हम लोग नायग्रा जा रहे हैं गाइस, बड़ा मजा आने वाला। थोड़ा नहीं, बड़ा मजा आने। लेट्स एंजॉय। ये सब YouTube पे नहीं आएगा। ये तो पक्का आएगा, तुमने ही किया ये। कहना चाहते हो हमारे सब्सक्राइबर्स से? कह रहा है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अच्छा हाँ, हमारी अभी बात हो रही थी गाइस हम सबकी, तो ये जो बंदे हैं सारे, इनका इंटरव्यू लेने की मैंने बात करी, तो सारे बंदों ने बोला जब तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हम हैप्पीली इंटरव्यू देंगे तुम्हारे चैनल पे। इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ यस हाँ नहीं सोचूंगा मैं। तो गाइस 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद ये सारे बंदे सोचेंगे, तो इनके काफ़ी 2 साल से ये बंदा है, ये भी 1-2 साल से है, ये भी, इसकी भी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, इसकी चल रही है, ये बंदा प्यार है, इसको किसी से प्यार भी है। और अब हम पार्किंग कर चुके हैं, वो रही 5वें नंबर की गाड़ी। ऐसा यहाँ से सीन दिखता है। और अब हम जा रहे हैं इसके पास, उसके पास जा रहे हैं अब हम, और ये है ऐसा सा सीन यहाँ पे, और ये तीनों मुझे छोड़ के ऑलरेडी जा चुके हैं।
व्लॉगिंग करना और घर वालों से साथ में बात करना थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अभी तक घर वालों से बात चल रही थी जिसमें मैं लाइव सबको दिखा रहा था, बट अभी मैंने कॉल रखी है और अच्छे से व्लॉगिंग करने की भी कोशिश चल रही है। तो गाइस शायद नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी, बट ये पूरा यूएस है, यहाँ से इस ये ब्रिज इज़ द बॉर्डर और यहाँ से ये पूरा उस साइड का यूएस है, ये पूरा यूएस है, इवन दिस बोट इज़ यूएस का बोट। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी चेहरे पे पड़ रहा है, बहुत बहुत ही लाइट, बट पता चल रहा है कि और आगे बहुत ज़्यादा पड़ेगा वो पानी। ये जो दिख रहा है ये बादल नहीं है, पानी है, तो ऑब्वियसली वो आप गीले भी हो सकते हैं, दे विल गिव यू क्लोथ्स, बट हाँ ये पूरा एरिया यूएस का है और बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत देर से चल रहे हैं गाइस, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, बट इसके सामने एक ये जो ऊपर बड़ा सा टावर दिख रहा है इसके ऊपर था रेस्टोरेंट जो कि मेरे को इस भाई ने बताया है, और ये कोविड के बाद से बंद चल रहा है, बस एक खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। और वो रही यूएस में वो जो बिल्डिंग है उस पर लाइट जल रही है और वो है कैसीनो, अगर दिख रहा है पता नहीं, नहीं कुछ ओवर ब्राइट हो रहा है, बट यस वो है कैसीनो, उस पर बड़ा बड़ा कैसीनो लिख के आ रहा है बार बार डिस्प्ले में। ओके अभी आ गया लिख के, यू कैन सी इट नाउ। और यहाँ पे जैसे जैसे पास जा रहे हैं पानी तेज होता जा रहा है और फेस पे पड़ रहा है ये पानी बहुत ज़ोर से, इट्स नॉट एक्चुअली रेनिंग बट ये जो ये इसका पानी है जो हमें पड़ रहा है फेस पे। ओके पास पहुँचने के बाद फिर से ऑन करता हूँ। अब हम लोग बहुत ज़्यादा पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बारिश और वेपर दोनों पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा नॉइस है ऑब्वियसली क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, यू कैन सी द अमाउंट ऑफ वाटर और वो इतनी फोर्स से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका साउंड बहुत ज़्यादा है। और इसके बीच में एक नाव जा रही है, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग इनसाइड द वाटरफॉल। यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, मेरे कपड़ों पे दिखाता हूँ कितना पानी है। और ये रही इनकी बोट जो बिना खौफ के अंदर जाती जा रही है, पानी इन्हें वापस ढकेल रहा है बट फिर भी अंदर जा रही है बोट। सबने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं जिससे कि ये लोग गीले ना हो, और उस पर यूएस का फ्लैग लगा है। फाइनली ये लोग टर्न ले रहे हैं, टर्न नहीं ले रहे हैं, गेस वाटर इज पुशिंग देम बैक, बट हाँ बहुत पास है अभी। दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू, ये मैंने जूम इन नहीं किया है, आई एम राइट हियर और दिस लुक्स वेरी स्केरी एंड वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग इट इज, हैवी 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 फ्लो, बहुत ज़्यादा पास है ये, मेरे एकदम पास से ही होके जा रहा है एंड इट लुक्स सुपर ऑसम। मुझे नहीं पता कि वीडियो में कितना फील कर सकते हो इसको, बट Looks great. अब मैं जा रहा हूँ अपने घर वालों को कॉल करके ये दिखाने के लिए, एंड दिस इज द नियरेस्ट व्यू ऑफ द वाटरफॉल, लुक्स ग्रेट, अमेजिंग। और सभी को लगी है बहुत जोर से भूख, तो हमने डिसाइड किया है कि हम क्या खाएंगे, हम खाएंगे बर्गर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये नॉर्मल लाइन है बट
ऑनेस्टली अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं बहुत सारे वीडियोज़ और बनाने वाला हूँ, और क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो यहीं तक। थैंक यू सो मच।